वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके लिए कुछ अलग, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज करने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ मैं। और जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा वो समझ जाएगा और डेफिनेटली उसकी लाइफ चेंज होगी। वैसे तो आपने वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये एक वीडियो जो है अर्निंग के बारे में है, किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आज के डेट में सभी लोग जो है ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन एक सही और एक रियल प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता। कुछ लोग ऑनलाइन के नाम पे स्कैम करते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो सब चीज़ों से अलग है, एक हट के है। आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा मार्केटिंग के बारे में, बस वही उसी का एक फंडा है, मार्केटिंग ही करना है, दैट्स इट। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, करेक्ट नॉलेज दूँगा, अच्छा लगे आगे बढ़ना। जो वीडियो को एंड तक देखेगा ना, डेफिनेटली वो लास्ट में यही बोलेगा कि यार वीडियो अच्छी थी। भले ही मैं जो बोलूँगा वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में दम है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लीड्स आर्क के बारे में। ये एक जो मतलब आप जैसे कि बहुत बार सुने होंगे नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, तो अब जो आया है एक नया आया है, एफिलेट मार्केटिंग। तो एफिलेट मार्केटिंग में क्या होता है? एफिलेट मार्केटिंग में ये होता है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में चैनल सिस्टम होता है, तो एफिलेट मार्केटिंग थोड़ा अलग है। इसमें हमें जो है उसमें भी प्रोडक्ट बेचना होता है, इसमें भी हमें प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन इसका कमीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है एफिलेट मार्केटिंग का। अभी मान के चलिए, अगर हम कहीं पे जाते हैं, मान के चलिए एक मोबाइल शॉप में हम जा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल शॉप में जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आपके जो भी फ़ोन्स रहेंगे वो हम सेल करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ये कहेगा आपको कि ठीक है मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, वो लिंक के थ्रू अगर जितने भी मोबाइल परचेस हो जाते हैं तो उसका कमीशन मैं आपको दूंगा। तो यही है एग्जैक्ट एफिलेट मार्केटिंग, इसमें भी आपको वही करना है। तो आज जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ लीड्स आर्क, तो ये कंपनी का एम यही है, और उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मतलब जिसको दोबारा मतलब हर टाइम मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़े। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हर टाइम बनाना होता है, जैसे कि काम ज़्यादा होता है। एक ऐसी हस्ती ने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग तरीका। अभी एक चीज़ ऐसी है जिसको हमें बार बार बनाना पड़ता है, और एक चीज़ ऐसी है एक बार बना दी, दैट्स इट, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने कुछ कोर्स बना दिया, लर्निंग कोर्स, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन वही आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट, वही वही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, लर्निंग कोर्सेज मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा थेरी, मतलब बहुत ही अच्छा थेरम लगाया उन्होंने। उन्होंने एक कोर्स मतलब कुछ कोर्सेस लिए उन्होंने ऑनलाइन बेसिस, उसको हमें परचेस करना है, ठीक है, उसको परचेस करना है, और वही मार्केटिंग भी करना है आपको उसी के साथ साथ। अगर हम आज वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम उसको मार्केटिंग भी कर, उसी का मार्केटिंग करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट करना है यार। आज के डेट में कौन नहीं एडवर्टाइजमेंट करता है? सलमान खान भी करता है, शाहरुख खान भी करता है, अजय देवगन तक का करता है, वो भी कौन सा, पता है ना आपको। चलो खैर, वो बात बताने की नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ के होते हैं। तो अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो तो उसको एडवर्टाइज करने में मुझे नहीं लगता कि हिचकिचाना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना टूथपेस्ट में, ऐसा भी एडवर्टाइज अभी आने वाला है। पहले तो बोलते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, अभी थोड़े दिन बाद बोले कि क्या आपकी टूथपेस्ट में गरम मसाला है, तो लोग वो भी खरीदेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो उसी तरीके से आपको भी जो मैं आज प्रोडक्ट बताऊंगा उसको आपको उसका जो भी है मतलब जितने भी आपके हैं, देखो मैं तो पहले यही कहूँगा कि पहले फ्रेंड सर्कल में जाओ, फ्रेंड सर्कल को बताओ कि ये है ऐसा ऐसा है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, मैं आपको ही नहीं, मैं सभी को यही कहता हूँ कि जब हम आगे बढ़ते ना तो दो चार लोगों को और आगे लेके जाना चाहिए। और वही सोच जो है अय्याज़ मोहम्मद की है, बहुत ही बेहतरीन सोच है, और मुझे बहुत अच्छी सोच लगी उनकी। उन्होंने कहा है कि हम आगे जा रहे, हमें ही नहीं कमाना है, हमारे साथ दो चार और लोगों को आगे लेके जाते हैं, उनको भी कमाना है।
तो आज का यही है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट्स जो है वो लीड्स आर्क के हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम अमाउंट के प्रोडक्ट है, इतना कोई हाई अमाउंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं अर्निंग प्रूफ भी डाल दूंगा कि लोग कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। लास्ट में एक अर्निंग प्रूफ भी आपके लिए जो है वो अपलोड कर दूंगा मैं, या तो फिर अभी आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा मैं। तो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग में जो है, अभी जो मैं बता रहा हूँ लीड्स आर्क के बारे में, उसकी जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ठीक है। सिल्वर प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो, ठीक है, सिल्वर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, अगर हम देखने जाएंगे तो सिल्वर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 4,000 रुपीज़। रेगुलर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, 4,000 रुपीज़ सिल्वर प्रोडक्ट की प्राइस है। लेकिन अगर आप अभी परचेस करते हो तो अभी फ़िलहाल जो है वो डिस्काउंट चल रहे हैं, तो 4,000 की जो प्राइस है रेगुलर प्राइस वो हो जाएगी 2,000 की। हुआ ना फ़ायदा, टोटल 50% का फ़ायदा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके करवा लेना फटाफट, ठीक है। और सेकंड जो है वो प्रोडक्ट है गोल्ड। अभी लीड्स आर्क में जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया तीन प्रोडक्ट है, ठीक है, एक सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जैसे कि उसमें आता है एक लाइट आता है, मतलब जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट बताया, ठीक है, लीड्स आर्क लाइट का प्रोडक्ट बताया मैंने, तो लाइट जो है वो 4,000 में आता है, वो 2,000 में हो गया 50% डिस्काउंट में। और स्टैंडर्ड है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, उसी तरह जो है वो लीड्स आर्क ने, मतलब उनको भी बाइफोगेट किया है, जैसे कि लीड आर्क लाइट, लीड आर्क स्टैंडर्ड और लीड आर्क प्रो में। तो लीड आर्क जो लाइट है वो 4,000 का है, वो आपको 2,000 में मिलेगा, ठीक है, दो से तीन बार बता चुका हूँ मैंने आपको। और लीड आर्क स्टैंडर्ड जो है वो आपको 7,000 का प्रोडक्ट है, वो आपको 3,500 में मिलेगा। इसमें आपको सभी जो है वो ई लर्निंग कोर्सेस रहेंगे, ठीक है, जिनको एक ही बार बनाया गया है और उसको आपको मार्केटिंग करना है, उसको आपको जो है वो एडवर्टाइज़ करना है, लोगों को बताना है उस प्रोडक्ट के बारे में। और सेम प्रोडक्ट अभी देखिए, और पहले और एक लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट लेगा ना उसका पार है भाई, लीड आर्क प्रो। तो ये है प्रो, तो इसमें जो है वो इसकी प्राइस जो है अगर देखने जाओगे तो 14,000 की, और लीड आर्क स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो 7,000 की है। लेकिन 7,000 मैंने बताया कि अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो वो मिल जाएगा आपको 3,500 में। और बाकी जो है दूसरा जो मैंने जैसे कि लीड आर्क प्रो बताया, उसकी प्राइस है 14,000, उसको आपको मिलेगा 7,000 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो लीड आर्क लाइट की अगर हम बात करें, तो लीड आर्क लाइट अगर आप परचेस करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लीड आर्क लाइट ही बेच सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। नहीं तो आप कहोगे चलो अभी लीड आर्क लाइट ले लेते, इन फ्यूचर ले लेंगे लीड आर्क स्टैंडर्ड, लीड आर्क प्रो, ऐसी गलती ज़रा भी मत करना। लीड आर्क लाइट अगर आप ले रहे हो तो 4,000 का 2,000 में आप ले रहे हो, फिर उसके बाद आप 3,500 डालोगे, फिर उसके बाद 7,000 डालोगे, उससे बेटर है कि 8,000 एक बार डाल देना। और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो, बता रहा हूँ सब सभी आपको जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो लीड आर्क स्टैंडर्ड, तो उसमें क्या होगा, आपका लीड आर्क स्टैंडर्ड में आप लीड आर्क स्टैंडर्ड भी बेच सकते हो, लीड आर्क लाइट भी बेच सकते हो, दोनों बेच सकते हो। और लीड आर्क अगर आप प्रो लेते हो तो आप तीनों बेच सकते हो, लीड आर्क प्रो, लीड आर्क स्टैंडर्ड और लीड आर्क लाइट, ये तीनों चीज़ें जो है आप लीड जो है वो बेच सकते हो, ठीक है। बेचने की बात मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेचना है यार, प्रोडक्ट में इतना दम है कि प्रोडक्ट खुद ब खुद भी बिक जाता है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में जो है ना वो दम होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट में दम है। आज के डेट में इतना मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है इसका, लेकिन फिर भी जो है वो सेल हो रहा है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते, मैं चाहता हूँ, अयाज मोहम्मद जी चाहते हैं कि हम अगर आगे बढ़ रहे तो साथ में दो चार लोगों को भी आगे बढ़ाना है। अभी अगर मैं कमीशन की बात करूँ, ठीक है, अगर आप सेम प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर उसको आप आगे फॉरवर्ड करते हो, किसी को आगे जो है वो इनवाइट करते हो, तो आपको कितना कमीशन मिलता है। अगर हम देखने जाएंगे तो अगर आप लीड आर्क लाइट लेते हो, और लीड आर्क लाइट अगर आप लोगे तो लीड आर्क लाइट लाइट ही जो है वो इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, लाइट प्रोडक्ट जो है उसी को, मतलब वही आप बेच सकते हो।
दूसरा स्टैंडर्ड और आप प्रो तो नहीं बेच सकते, तो अगर आप वो इनवाइट किसी को करते हो तो आपको जो अमाउंट मिलता है, अगर 2000 का प्रोडक्ट है तो टायर वन में आपको 1500 रुपये का जो है मतलब अमाउंट आपको मिलता है। अगर आप स्टैंडर्ड बेचते हो तो 2500, ठीक है। अगर आप जो है प्रो बेचते हो तो 5000 रुपया। तो इस तरीके से आपको जो है वो अमाउंट मिलते हैं अगर आप इसको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो। अगर आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग नहीं करने बोल रहा हूँ मैं आपको लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप समझोगे तो आप लोगों को समझा सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये मेरी वीडियो देख ली आप जाके 2-4 लोगों को बात करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने जो समझा आपको, आपको समझ में आ गया, मैंने मेरे तरफ से 100% समझा, आपको समझ में आ गया 80%। अगर आप किसी को जाके समझाओगे 50% उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं है फिर वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालते रहेंगे, यार नहीं यार गलत है, इतना सही कुछ लग नहीं रहा है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। वो सारे प्रूफ्स ऑनलाइन अर्निंग प्रूफ्स भी मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा कि लोग कितना कमा रहे। कहते ना एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिससे इंडिया में छोड़ो, इंडिया में तो अभी अभी चल रहा है, आउट ऑफ इंडिया जो है करोड़ रुपए तक महीने का लोग कमा रहे। इंडिया में कुछ लोग हैं जो ऐसे जो कमा रहे लाखों करोड़ रुपए, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया की बात करो तो काफ़ी लोग जो है इससे कमा रहे, और एक लॉन्ग टाइम बिजनेस ही है अगर आप देखने जाओगे तो। अगर जॉब नहीं करना चाहते, यार जॉब कौन करना चाहता है, किसको सुनना है यार 2-4 लोगों के बातें, ऊपर से मैनेजर सर खाता है, कौन चाहता है कि जॉब करे। जॉब को अगर उल्टा करो तो बोझ, जॉब का उल्टा करके देखा है कभी आपने, करके देखना, जॉब का उल्टा होता है बोझ। तो बोझ नहीं चाहिए हमें, हमें राजा बनना है, किंग। किंग बनने के लिए क्या करना होता है, किंग बनने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए हमें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, मैंने जो जितना बताना था मेरे तरफ से मैंने बताया। मैं जो है वो कुछ मतलब स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर दूंगा मेरे तरफ से, आप देख लेना उसको, रेफर करना, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रोसीड करना। देखिए मैं हाँ समझ रहा हूँ, मैं अभी जो है आप लोगों में कुछ लोग जो है वो ये दिमाग में लेके आएगी पैसा कहाँ से लाएंगे, 2000 4000 8000 कहाँ से लाएंगे आप, हम थोड़ी देंगे। आप यही सोच रहे हो ना कि हम आपको देंगे, हम थोड़ी देंगे। अभी आप मुझे एक बात बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। एक बात मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि इन केस भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है, ऊपर वाला ना करे, अगर हम कहीं से जा रहे, मान के चलिए मैं ही कहीं से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर ने कहा अभी के अभी 50,000 रुपये लगेंगे, कहीं ना कहीं से तो हम 50,000 रुपये लेके आएंगे, राइट, कहीं ना कहीं से लेके आना होगा, तब जाके ऑपरेशन या जो भी कुछ है होगा। तो हम हमारी लाइफ को बचाने के लिए 50,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, लाइफ बनाने के लिए 8,000 रुपये नहीं खर्चा कर सकते। आज के डेट में लॉकडाउन में कितने लोग हैं जो ऐसे ही घर में बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आओ ज्वाइन कर लो एक साथ को, अपना जो है वो काम स्टार्ट करो। जब आप काम स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना कमा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, इसी के साथ मैं जो है उस वीडियो को फिनिश करने के लिए मैं आपको बस एक छोटी सी बात, एक लास्ट बात मैं आपको कहता हुआ जाऊँगा कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उस गीत को सुनता हूँ और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपको भी सुनाऊँगा मैं, मेरी आवाज़ उतनी सुरीली नहीं है, ठीक है, जो मैं सुर से आपको सुनाऊँ, लेकिन बहुत ही अच्छा है वो, आप एक बार सुनना, डेफिनेटली आप मोटिवेट हो जाओगे और डेफिनेटली आपके अंदर भी एक एनर्जी आएगी कुछ करने की, जिस तरीके से मेरे अंदर एनर्जी आती है ना हमेशा, उस तरीके से आपके अंदर भी उस तरीके से एनर्जी आएगी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने कुछ भी बाहर नहीं किया, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपको लग रहा है क्या बंदे ने कुछ ना कुछ किया रहेगा लिखा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता अभी आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये भी जो है मैं जो आपको गीत सुना रहा हूँ वो बस चलते चलते मेरे माइंड में आ गया कि मुझे यार सुनाना चाहिए, गीत अच्छे तरीके से सुनना, नामुमकिन
नामुमकिन जैसी ये कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद ना करे वो कोई भी नसीब नहीं। नामुमकिन जैसी ये कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद ना करे वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। हाँ हाँ कहते हैं गीत यही, नए जमाने की है देखो नई रीत यही। जो कुछ पाएगा तू वो भी बचाएगा, तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन। हाँ पानी को कम कम सर से निकाल, इड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल। बस कर बातचीत अब रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत। अभी आपको ये सोचना है कि किसके सामने सवेरा और किसके सामने जीत, ठीक है? तो अगर आप जीत चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट करना बेझिझक हो के आगे प्रोसीड करो। क्या करता है 8,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना है। मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, देखो सर्च करो, रिसर्च करो अच्छे तरीके से क्या है एलगी सार, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे लिंक से ज्वाइन करना, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना, एक्सप्लेनेशन जो भी है मैं आपको सारा कुछ दे दूँगा। मैं अभी फ़िलहाल जो है वो इतना ही बोल रहा हूँ और इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ताकि जो है मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो अभी फ़िलहाल जो है बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो। तो थम्स अप आप सभी लोगों के लिए जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने अब तक जो है इस वीडियो को एंड तक का देखा, बहुत ही खुशी हुई मुझे। इसी के साथ अलविदा कहते हैं आपको, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नई थ्योरी के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।